बुद्धि को एक कैसे करेंगे? हाँ, याद करे तो मन और बुद्धि कैसे जोड़ो उसको? हाँ, पाप कहेंगे भाई जी नमस्ते करो, हाथ जोड़ दिया, नमस्ते हुआ, नहीं, छोटी अंगुली को विधि पूर्वक जोड़ना पड़ेगा ना। तो मन बुद्धि को जोड़ने की विधि बताओ, कौन बताएगा? आप सभी मधुबन तो गए हो, बाबा के टर्न में हर साल बाबा के टर्न में क्लास करता हूँ, हर टाइम बताता हूँ, तो गोली वहां लेते हो वहां छोड़ के आते हो। अब यहाँ ऐसे नहीं करना, ले करके वहां छोड़ के नहीं आना, यहाँ छोड़ के नहीं आना, खा के जाना, ठीक है? नहीं तो क्या सुनते हैं बहुत कुछ है। नहीं तो मधुबन जो के हर साल हर क्लास में हर ग्रुप में एक एक क्लास होता है, तो ये दवा भी दवाई जरूर बताता हूँ, और आप उधर भूल गए, आपको बताई नहीं, मधुबन तो गए है ना, तो दवाई वहां छोड़ के आया, नहीं अगले साल भी गया था, दो दफा गया, तो दवाई तो बता, हर क्लास में सुनाया, किसी को बताया तो बताओ। देखो आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, बात कर सकते हो, बात कर सकते हो, मोबाइल आपके पास भी, मेरे पास भी, बात कर सकते हो, नहीं कर सकते, नंबर सकते हो, हाँ आप कहते मैं भगवान से बात करता हूँ, कैसा नंबर, भगवान का नंबर बताओ, आपका आवाज यहां से यहां नहीं आ सकता है, आपका आवाज ऊपर कैसे जाएगा, अपने आप जाएगा? कहते हम बाबा को याद करते हैं, बाबा कहता मेरे पास किसी का आवाज नहीं आया, आवाज से परे है, अगर आता है तो आपका आवाज आना चाहिए, आप फोन करो, नंबर चाहिए, तो वो कहते उसको कहते विधि, आपका आवाज ऊपर कैसे जाएगा? तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, कुछ भी करो, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका, तपस्या करने से नहीं, विधि चाहिए। एक कागज 10 साल आप धूप में रख दो, जलेगा, राख होगी नहीं, वही कागज एक मिनट के अंदर भस्म कर सकते हो, कुछ भी नहीं, कागज वही, सूर्य की किरणें भी वही, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक जगह पकड़ कर एक मिनट में आग लग जाती है, ये चमत्कार नहीं है, विधि है। यहां भी कितने बड़े पाप हो, आप उस पाप को मिटा सकते हो, मिटाना चाहते हो कि थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा तो रहना चाहिए, फिर द्वापर युग के पास चाहिए, हाँ मिटाना चाहते हो, हाँ पाप को मिटाने की विधि चाहिए।